हाय एवरीवन, वेलकम टू बीएचयू पाठशाला। मेरा नाम है आदर्श। दिस इज़ गोइंग टू बी पार्ट 14 ऑफ जीके एंड जीएस सीरीज़। तो इस सीरीज़ में हम लोग 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और अपनी क्वेरीज पूछने के लिए यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड आप लोग इंस्टाग्राम पे बीएचयू पाठशाला को फॉलो कर लें। और यार, प्लीज़ हेल्प अस टू रीच 40 के सब्सक्राइबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़, within what period the parliament has to prove financial emergency declared by the president? राष्ट्रपति द्वारा घोषित वित्तीय आपातकाल को संसद को किस अवधि के भीतर मंजूरी देनी होती है? तो जो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, इसको 2 महीने के अंदर मंजूरी देनी होती है। सो ऑप्शन बी ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, ये सही आंसर है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एंड द क्वेश्चन इज कि इंडियन सिटीजनशिप इज ग्रांटेड बाय, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर या फिर मतलब प्रधानमंत्री, या फिर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, या फिर ऑप्शन नंबर डी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय। तो जो नागरिकता होती है, दिस इज़ प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के द्वारा नागरिकता मिलती है, और 4 तरीकों से नागरिकता मिलती है। ठीक है, और दैट आर एक्वायर्ड बाय बर्थ, और एक डिसेंट यानी कि मतलब आपके पूर्वजों के अनुसार, और एक रजिस्ट्रेशन और एक नेचुरलाइजेशन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इज इन द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डज द वाइस प्रेसिडेंट टेक्स ओथ, उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में शपथ लेता है? यानी कि क्वेश्चन आ सकता है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट, जो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, गोपनीयता पद और गोपनीयता की शपथ उपराष्ट्रपति दिलाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज द सैलरी एंड द अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर आर चार्ज्ड टू, राज्यपाल के वेतन और भत्ते का शुल्क कहाँ से लिया जाता है? तो ऑप्शंस आर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। यही दोनों ऑप्शंस में आदमी कंफ्यूज हो जाता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। बाकी सारे ऑप्शंस तो बेकार हैं, मगर मैं आपको बताते चलूँ, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है यानी कि जो राज्य की संचित निधि होती है उसमें से जो अलाउंसेस और जो वेतन होता है वो गवर्नर का दिया जाता है। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन गलत है? देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए इज राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 सही है। ऑप्शन बी इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 21 ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन डी इज राइट टू प्रोफेस एनी रिलीजन, किसी धर्म को मानने का अधिकार, आर्टिकल 17 दिस इज नॉट करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और जो ये राइट टू प्रोफेस एनी रिलीजन है, इसका वर्णन आपको मिलेगा आर्टिकल 25 में। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। और आर्टिकल 17 टॉक्स अबाउट अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है, यानी अस्पृश्यता के उन्मूलन के बारे में बात करता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हु वॉज द फर्स्ट वुमन टू अचीव ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी आशापूर्णा देवी। ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर राइट आंसर। 1965 में इनको इनके एक राइटिंग था प्रथम प्रतिश्रुति करके है। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ प्रथम प्रतिश्रुति के लिए इनको मिला था, और
किस सन में मिला था, तो 1965। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हेन डिड अशोका अटैक कलिंगा, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया। सो वी ऑल नो अशोका अटैक कलिंगा इन 261 BC। ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आप कुछ फैक्ट ऑप्शन नंबर डी से रिलेट कर पा रहे हो तो मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आगे चलते हैं। वेयर डिड चंद्रगुप्त मौर्य डाइड, दिस इज ऑल्सो बेसिक क्वेश्चन, तो हम सभी जानते हैं। ऑप्शन ए इज़ पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी इज श्रवणबेलगोला, ऑप्शन सी इज तक्षशिला एंड ऑप्शन डी इज़ मैसूर। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी ये श्रवणबेलगोला में हुई थी। ठीक है, एक मिनट। वेयर डिड चंद्रगुप्त मौर्य डाइड, तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। इन विच ईयर मोहम्मद बिन कासिम इन्वेडेड इंडिया, मोहम्मद बिन कासिम ने जो कि एक इन्वेडर था भारत पर कब आक्रमण किया। तो मोहम्मद बिन कासिम अटैक्ड इंडिया इन 1712 AD, यानी 712 AD में उसने भारत पर आक्रमण किया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज अष्ट दिग्गज वर इन द कोर्ट ऑफ विच किंग, किस राजा के राज दरबार में अष्ट दिग्गज थे। तो जो अष्ट दिग्गज थे देवर इन द कोर्ट ऑफ कृष्ण देव राय। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, ये विजयनगर के राजा थे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 इज, थोड़ा फॉन्ट छोटा है इस क्वेश्चन में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कुछ लिखा हुआ है, तो आप लोग थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, या फिर कहें तो मैं जूम कर देता हूँ, बट दैट विल नॉट बी गुड आई थिंक। नहीं है, सही सही है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 11 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ओजोन इज मोस्टली फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन ज़्यादातर समताप मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन बी इज मतलब सेकंड स्टेटमेंट है, ओजोन लेयर लाइज 55 to 75 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 55 से 75 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। स्टेटमेंट थर्ड इज ओजोन अब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन, ओजोन जो होता है सूर्य से पैराबैंगनी किरणों को विकिरण को अवशोषित कर लेता है। और स्टेटमेंट फोर्थ इज ओजोन लेयर हैज़ नो सिग्निफिकेंस फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। सो इसमें से जो ऑप्शन ए है मतलब स्टेटमेंट वन, दिस इज करेक्ट, दिस इज क्वाइट करेक्ट। एंड स्टेटमेंट थर्ड दैट ओजोन अब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, सो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टेटमेंट वन एंड थर्ड आर करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज द मेजर कंपोनेंट इन LPG इज, LPG का मुख्य घटक क्या होता है। तो LPG का मुख्य घटक क्या होता है, दैट इज ब्यूटेन। ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द फर्स्ट कमर्शियल न्यूक्लियर पावर स्टेशन ऑफ इंडिया वाज बिल्ट इन, भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ बनाया गया। तो भारत का पहला कमर्शियल न्यूक्लियर पावर स्टेशन दिस वाज बिल्ट इन तारापुर में बनाया गया। ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलता हूँ। दिस वाज बिल्ट इन तारापुर में बनाया गया, और ये तारापुर पावर स्टेशन जो है पालघर में पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं, जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन भारत में बिजली का सबसे बड़ा स्रोत है। तो हम सभी जानते हैं भारत में सबसे बड़ा बिजली का जो स्रोत है दैट इज थर्मल पावर, इज ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, दिस इज ऑल्सो नोन एज एग्जिम बैंक, इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी। तो दिस एग्जिम बैंक वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, एग्जिम बैंक की जो स्थापना हुई थी दैट टुक प्लेस इन 19
जस्ट अ मिनट, दैट टुक प्लेस इन 1982, ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 इज द फर्स्ट बैंक मैनेज्ड बाय इंडियंस वॉज, भारतीयों द्वारा प्रबंधित, यानी ऐसा कौन सा बैंक था जो सबसे पहला बैंक बना जिसे भारतीयों द्वारा मैनेज किया जाता था। तो जो अवध बैंक था, यानी ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर, दिस वॉज मैनेज्ड बाय इंडियंस। ठीक है, और आगे इस क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर डी है कि जो स्टेट बैंक था इसकी स्थापना कब हुई थी, स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसे बताएंगे। ठीक है, इसका स्थापना आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। विच स्टेट इज़ द बिगेस्ट टी प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर लिखा हुआ है यहाँ पे, छिप गया है। कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है, योर ऑप्शंस आर आंध्र प्रदेश, सिक्किम, असम एंड वेस्ट बंगाल। तो हम सभी जानते हैं असम इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन आवर कंट्री, और असम के गवर्नर जो हैं वो हैं जगदीश मुखी, और असम के सीएम हैं हिमांता विश्व शर्मा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 इज इंसेक्ट्स दैट कैन ट्रांसमिट डिजीजेस टू ह्यूमन आर रेफर्ड एज, मनुष्य को रोग पहुंचाने वाले कीट क्या कहलाते हैं। तो जो मनुष्य को रोग पहुंचाते हैं वैसे कीटों को वेक्टर्स कहा जाता है, और इस क्वेश्चन का मैंने मतलब वेक्टर का हिंदी में नहीं पा पाया, तो इसके लिए आई एम सॉरी। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं हम लोग। मीराबाई चानू अ फेमस इंडियन पर्सनैलिटी बिलोंग्स टू विच गेम, मीराबाई चानू आप सभी लोग जानते होंगे, हाल ही में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है अपने देश के लिए। तो ये किस खेल से इनका जुड़ाव है, यानी मीराबाई चानू एक प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व, किस खेल से संबंधित है, बॉक्सिंग, क्रिकेट, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वेट लिफ्टिंग। भारोत्तोलन में इन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 थीज ICC मेंस 2023 वर्ल्ड कप इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच कंट्री, जो ICC वर्ल्ड कप क्रिकेट का होता है वो 2023 में होने वाला है। ठीक है, तो वो किस देश में आयोजित किया जाने वाला है ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एंड योर ऑप्शंस आर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। सॉरी, फिर से मैंने ऑस्ट्रेलिया दो बार ऑप्शन में ले लिया है, खैर ये आंसर भी नहीं है। सो आवर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इंडिया। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सो आगे चलते हैं, आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन फॉर यू, मतलब आप लोगों के लिए कौन सा क्वेश्चन है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है, ये आप अपने प्रिपरेशन के बारे में बताइए, कैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही है, कोई सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और प्लीज़ हेल्प अस रीच 40K सब्सक्राइबर्स, हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी करिए ताकि सब्सक्राइबर्स बढ़ें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ़।